गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेंस दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में गतिशीलता दिखाने वाला काल सो लेट अस डिस्कस इट्स डेफिनेशन इट एक्सप्रेस द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर भविष्य में किसी काम के जारी रहने को दर्शाता है आइडेंटिटी इन हिंदी हिंदी में क्या पहचान है इसकी ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी समय में जारी रहेगा यानी कि भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में ही जारी रहेगा वाक्य के अंत में रहा होगा रहे होंगे रही होगी आदि मिलता है हिंदी के जिस सेंटेंस में लास्ट में हमें रहा होगा रहे होंगे रही होंगी वो फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस होगा चलो इसकी इंग्लिश में पहचान डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सकारात्मक वाक्य है उसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आई एन जी तो क्या होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी सेल विल प्लस बी और वो कंटिन्यूस है इसलिए तो आई एन जी तो कंटिन्यूस तो कोई भी हो उसके साथ आई एन जी ही रहेगी फ्यूचर है तो सेल विल रहेगा और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो सेल विल प्लस बी प्लस आई एन जी नेगेटिव में क्या होगा हम जो सेल विल है इसके साथ में नोट लगा देंगे बाद में बी लगाएंगे तो सेल बी या विल बी के बीच में हम नोट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा तो बनाते व्हाट वी डू वी पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ विल तो विल को हम बाहर रख देंगे सब्जेक्ट से जैसे देख लीजिए विल सेल प्लस सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट के इमीडिएट आफ्टर वी विल पुट बी उसके बाद भी होगा देन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई एन जी वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी उसको बोलते हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब तो सेल विल बी और वर्ब के साथ आई एन जी इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली हैं जो नेगेटिव होगा तो सेलविल के साथ हम नोट लगा देंगे जो इंटेरिगेटिव होगा तो हम सेलविल को बाहर रख देंगे तो डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ यूजीज होता है इसका एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर भविष्य में कोई काम जब जारी रहेगा जैसे माई फादर विल बी अराइविंग एट एनी टाइम फ्रॉम नाउ अब से मेरे पिताजी किसी भी समय आ रहे होंगे भविष्य में है I shall be writing a letter at this time tomorrow. कल मैं इस समय पत्र लिख रहा होगा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस सेल बी प्लस verb के साथ आई एन जी दे विल बी वेटिंग फॉर मी नाउ वो अब मेरा इंतजार कर रहे होंगे रहे होंगे विल प्लस बी प्लस verb के साथ

प्रोवर्व के साथ आई एन जी नेक्स्ट हमारा पोलाइट क्वेश्चन भी करते हैं जब हम विनम क्वेश्चन करते हैं तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस को ऐड कर लेते हैं यूज कर लेते हैं जैसे व्हेन विल यू बी गेटिंग रेडी फॉर डिनर डिनर के लिए आप किस समय तैयार हो रहे होंगे विल बी गेटिंग वैन विल यू बी अटेंडिंग टू मी आप मुझे कब सुन रहे होंगे मेरी बात कब सुनोगे मुझे कब सुन रहे है? होंगे तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के यूजेज तो आज तक आज के लिए इतना ही फ्यूचर कंटिन्यूस तक जो फ्यूचर कंटिन्यूस की एक्सरसाइज है या फ्यूचर परफेक्ट की है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की वो एक्सरसाइज जो लास्ट होगा हमारा उसको करके पूरे फ्यूचर के एक बार बीस तीस पचास सेंटेंसेज की एक्सरसाइज एक साथ कर लेंगे एक ही वीडियो में ठीक है Thank you. Best of luck. Have a nice day.